क्या अभी सीटेट पास है? अगर सीटेट पास है तो आप भी डीएसएस भी पीआरटी के लिए लग जाइए, क्योंकि ज़िंदगी मौके कम धोखे ज़्यादा देती है। अभी आपने केवीएस पीआरटी दिया होगा और सीटेट टेट पास अभ्यर्थी तमाम होंगे ऐसे जो यूपी में एक नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे, उनके लिए डीएसएस भी पीआरटी कहीं ना कहीं एक संजीवनी से कम नहीं होगी, क्योंकि केवीएस पीआरटी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहेंगे जिन्होंने खूब मेहनत की, जिनको ये लगता था हम एक दिन की तैयारी करेंगे हमको नौकरी मिल जाएगी और हम पढ़कर अगले दिन नौकरी पा लेंगे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि 60 दिन में उन्हें एक मौका मिला था अपने आप को साबित करने का, अपने परिवार के सपने को पूरा करने के लिए, तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो उस क्राइटेरिया को पार कर पाए, लेकिन कुछ ऐसे जो बॉर्डर लाइन पर आए, ऐसे अभ्यर्थी तमाम होंगे जिन्होंने मेहनत किया था, टेट और सीटेट अच्छे अंकों से पास थे, लेकिन सरकारी शिक्षक बनने का सपना अभी तक पूरा नहीं कर पाए थे, उनके लिए डीएसएस भी पीआरटी एक मौका है सपने को पूरा करने के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपना अगर बेस्ट दे रहे हैं, अपना बेहतर दे रहे हैं, तो इसी बहाने आपकी तैयारी डे बाई डे होती रहती है। बेशक जैसे जिनका केवीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जो अंतिम रूप से नहीं चयनित हो पाएंगे, अब फाइनली रिजल्ट आने के बाद, अभी तो रिजल्ट आएगा, फिर शॉर्ट लिस्ट की लिस्ट आएगी, इंटरव्यू के बाद अंत में जो परिणाम आएगा, उसके बाद जो बचेंगे ना, वो फिर से एक बार कोसेंगे कि जब भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, लेकिन यही बात उनको फिर से ले डूबेगी। अगर आप तैयारी कर, हो सकता है आपका केवीएस नहीं हुआ, लेकिन आपकी तैयारी आपकी खुद की पूंजी आपके पास है और अब आपको तैयारी शुरू से नहीं, जीरो से नहीं करनी है, अब उसके आगे से करनी है, तो ऐसे लोगों के लिए डीएसएस भी एक बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि डीएसएस भी में 200 प्रश्न आने हैं, समय आपको कम मिलता है, 120 मिनट में 200 प्रश्न सॉल्व करने हैं और माइनस मार्किंग भी रहती है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। इस बात को ध्यान में रखकर आप सभी को आगे बढ़ते रहना है। कई बार हम और आप ये सोचते हैं कि इस बार पता नहीं डीएसएस भी में निगेटिव मार्किंग कहाँ तक होगी, लेकिन शुरुआत में आपने देखा कि नेगेटिव मार्किंग थी, पहले नहीं भी रहा करती थी, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन क्या होगा कि आप देख रहे हैं ज्यादातर परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होती जा रही, हो सकता है इस परीक्षा में भी किया जा सकता है, ये संभावना है, कोरी कोरी संभावना है, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। प्रथम जो 100 प्रश्न होते हैं उसमें 40% अंक लाना आपके लिए अनिवार्य होता है, जिसमें आप हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, रीजनिंग है, जीएसजीके, इन 5 सीरीज में से 100 में से आपको 40 अंक अर्जित करने हैं। उम्मीद करते हैं आपने हिंदी बढ़िया तैयार किया होगा, आपने जीएसजीके बढ़िया तैयार किया होगा, आपने अभी तक गणित भी काफी अच्छे तक से तैयार कर लिया होगा, आपने रीजनिंग भी काफी अच्छे ढंग से तैयार कर लिया होगा, इंग्लिश में भी पकड़ अच्छी होगी, तो ऐसे करके आप 40 अंक अर्जित कर लेते हैं, सेकंड पेपर जो होगा पूरी तरह से शिक्षण पर है और शिक्षण पर फोकस करके आप मेहनत करके प्रैक्टिस करके, क्योंकि देखिए इस पेपर में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना सफल होने की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि समय कम है, प्रश्न ज्यादा है, ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगी, तो फटाफट आपको प्रश्न को टच करना और आगे बढ़ना है। इस दशा में बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आपको नजर में देखते ही इनका उत्तर पता चल जाएगा। इसी तरह से अगर आप स्पीड के साथ अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डीएसएसबी में सरकारी शिक्षक बनने का आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो क्यों ना आज से ही आप अपनी तैयारी को शुरू करिए, आप अपने घर पर बैठकर इसके प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर सॉल्व करिए, और बहुत सारे जैसे केवीएस का हुआ, सुपर टेट का हुआ, रेड का हुआ, यूपी टेट हुआ, सीटेट हुआ, इनके भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्न बैंक होते हैं ना वो इन्हीं के इर्द गिर्द सवाल पूछे थे, इन्हीं के इर्द गिर्द से सवाल आते हैं आपके परीक्षाओं में। इसलिए जो भी साथी, जो भी मित्र इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो भी सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजोए हैं और अगर वो सीटेट पास हैं, तो आज से ही अपने सपनों की उड़ान के लिए लग जाइए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं मेरी निःशुल्क क्लासेज भी आपके लिए चलती है। टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। अगर नोट संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर व्हाट्सएप करके घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना खुद है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है और आप तभी कर पाएंगे जब खुद आप अपना बेहतर देंगे। आपने इस समय देख लिया होगा केवीएस की परीक्षा में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा, यह बात बताती है कि आपको परीक्षा के समय 60 से 90 दिन का समय मिलता है, उस समय आप रिविजन करिए, उस समय तैयारी करिए, उस समय खुद को साबित करिए कि आप बेस्ट हैं और आप सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तभी भी मौका है खुद को संवारने का, खुद को बड़ा करने का, खुद को बेहतर करने का, तो फिर अब की बार एक सीट हमार के सपने को पूरा करने के लिए आज से ही लग जाइए अपने की सपनों की उड़ान में। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं और आपकी रेस सिलेक्शन से है और सिलेक्शन से ही रहेगी। तो डीएसएसबी पीआरटी आपके लिए बड़ा मौका है, आज से ही अपनी तैयारी शुरू करिए। अगर इसके अलावा कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके साथ, आपका परिवार आपके साथ है। और सोशल मीडिया पे जाइए, गूगल पे देख लीजिएगा इसका सिलेबस क्या, इसकी सिलेबस आपको इलर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर और टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप पूरी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल में है, और सिलेबस की मैंने वीडियो बनाई है वो भी डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी जाकर आप वीडियो देख सकते हैं पूरा। और अपनी तैयारी को जारी रखिएगा कि आपकी तैयारी आपकी वास्तविक और असली पूंजी है, देर मत करिए अपने सपनों के उड़ान में, कहीं आपके सपनों पर किसी और का अधिकार ना हो जाए।
उठिए, भागिए, तब तक दौड़िए जब तक मंजिल आपके हाथ में आपके कदमों में ना हो जाए। खुद मोटिवेट होइए, दूसरों को भी बताइए, पढ़ना ही आपका अंतिम लक्ष्य है और इसी से आपको सफलता मिलनी है। तो आपको क्या करना है, फैसला आपको लेना है, बस अपना बेहतर और अपना बेस्ट देते रहना। आप चाहते हैं अगर मैं आपके लिए भी कोई सेशन कोई सीरीज लेकर आऊँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके लिए इस वीडियो के साथ साथ हम DSSB की सीरीज भी शुरू करेंगे जो पूरी तरह से निःशुल्क होगा, मेरी तरफ से होगा, जब भी मुझे समय मिलेगा एक निश्चित समय पर हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।